वहाँ पे अगर 99 मजदूर का HPC है, 99 मजदूर का परिचय पत्र है, 99 मजदूर का अगर हाई पावर कमेटी का पैसा है, बिग फॉर में नाम है, तो बाकी 120 मजदूर का क्यों नहीं HPC मिल रहा है? बाकी 120 मजदूर को क्यों नहीं परिचय पत्र बना अभी तक? बाकी 120 मजदूरों का क्यों नहीं अभी तक बिग फॉर में नाम चढ़ा? ये तो सीधा तो सवाल है, इसका इंक्वायरी करा कर देखे। अगर उससे हट करके कोई मांग अगर होगा तब रंगदारी का सवाल उठ सकता था। अगर मजदूरों के साथ में सही में न्याय हो रहा है तो इंक्वायरी कर ले। अगर समान रूप से मजदूरों को सारा अधिकार मिल रहा है तो हो सकता है तब हमारा लड़ाई रंगदारी की ओर जा सकता है। लेकिन अगर मजदूरों के साथ में, बहुसंख्यक मजदूरों के साथ में उसका अपना अधिकार, उसको अपना हक में मिल रहा है और उसके सवाल पर ये आरोप अगर लगाएगा, ये खुद का आरोप है। आरोप लगाने वाले पहले वहाँ उसका भूमिका को चेक कर ले। आज जो धरना था, आगे का क्या रणनीति है? आगे मजदूर के मान अगर मिलता है तो बहुत अच्छा बात है। हम लोग तो BCCL का प्रिंसिपल एम्प्लॉय है कंपनी, इसलिए BCCL के पास हम लोग आए इसका सॉल्यूशन निकाल दें। हम लोग तो सॉल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं, मन से भी हम लोग बोले सॉल्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं। जो लोग, कुछ लोग अगर किसी तरह का आरोप लगा रहे हैं तो उनका सारा चीज़ को इंक्वायरी करें प्रशासन, आरोप लगाने वाला का उसका कंपनी में कितना पैठ है, क्या है, क्या रोल है, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि सचमुच में रंगदार कौन है और मजदूर का लड़ाई और मजदूर की बात कौन कर रहा है। और फिर मजदूर से पूछ लो, जो मजदूरों ने मांग पत्र दिया है उन मजदूरों से पूछे कि ये लड़ाई किसका है, रंगदारी की लड़ाई है कि आपका हक अधिकार की लड़ाई है, उसका इंटरव्यू ले लीजिए वहाँ पर, इंक्वायरी करो। यही तो बात है। अगली रणनीति अगला का मजदूर जो तय करेगा, मजदूर के साथ हम लोग हैं, मजदूर को अपना अधिकार के लिए मजदूर जो तय करेगा तो उस लड़ाई का साथ। 26 तारीख मजदूर मान जाएगा तो हम लोग को कोई लड़ाई नहीं है, मजदूर को मिल जाता है तो हम लोग को क्या लड़ाई, अपना तो कोई मांग है नहीं, अपना तो कुछ डिमांड नहीं है, मजदूरों का डिमांड है। तो मजदूर अगर मांग गए, कंपनी मजदूर से बात करके सारा चीज दे दे, हम लोग संतुष्ट है। इन लोग को बकाया अभी तक नहीं मिल रहा है, इन लोग को बकाया आपका जाकर तो ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा है, इन लोग को BF के छुट्टी का इस तरह से बात है, इन लोग को मेडिकल फैसिलिटी का बात है, इस तरह से इन लोग का जो डिफरेंस पैसा मिलना चाहिए, जो बढ़ती मिलना चाहिए, बहुत तमाम चीज इन लोग का सारा चीज छोड़ करके मजदूरों को पेमेंट करे ना, लाखों करोड़ों रुपया मजदूर का पैसा नकार करके कंपनी बैठ गया है दलाल के माध्यम से, और दलाल के बल पर मजदूर, जो मजदूर तो असंगठित मजदूर है उसको डराने में सुविधा है, उन लोग को डराते रहा है।